चतरा में धड़ल्ले से चल रहे हैं छरी और पत्थर लदे ओवरलोड हाईवे वाहन। स्कूली बच्चों के सर पर मंडरा रहा है मौत का खतरा। हंटरगंज से चतरा के रास्ते कटकमसांडी रेलवे साइडिंग में बोल्डर और छरी लेकर जा रही ओवरलोड हाईवे वाहन लोगों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। बेतहासा सरपट सड़कों पर दौड़ती वाहनों के परिचालन से स्कूली बच्चों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। आपको बताते चले कि सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच देवी और नाजेरत विद्या निकेतन के स्कूली बच्चे अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलते हैं। उसी वक्त हंटरगंज की ओर से रौद्र रूप के साथ तेज रफ्तार हाईवे वाहन सड़क पर पहुंचती है। लोगों का आरोप है कि जिस रफ्तार से हाईवे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं उससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले लगभग 1 माह से ओवरलोड हाईवे वाहन खुलेआम शहर में बेरोक टोक प्रवेश कर रहे हैं। हाईवे में सुरक्षा और प्रदूषण के दृष्टिकोण से तिरपाल तक नहीं लगाया जाता है। तेज गति से वाहन जब सरपट दौड़ती है तो चारों ओर धूल का अंबार लग जाता है। स्कूली बच्चे तो असुरक्षित तो हो ही रहे हैं, आम लोगों का भी सड़कों पर चलना दुभर हो गया है। इतना सब होने के बाद भी जिला परिवहन विभाग जांच तक करना उचित नहीं समझ रही। इस मामले में जिला परिवहन विभाग की भूमिका काफी संदिग्ध है। हालांकि जब इस बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी इंद्र कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही कार्रवाई होगी। हाईवे गाड़ी चल रही है बोल्डर लोड जो ओवरलोडेड लगता है सर, देखने में बहुत ऊंची होती है ना, सेफ्टी का कोई ख्याल रखा गया है, पर्दा नहीं लगा हुआ है सर, इस पर क्या कार्रवाई चल रही है अब तक? इस पे अभी आप संज्ञान में लाए हैं, सुबह सुबह का बात है, तो हम लोग इसको जल्दी इसमें आप जांच करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर पर्दा नहीं लगा हुआ है तो इसको फाइन भी करेंगे।